कर लेंगे। अरे वो देख ऋषभ जा रहा है। ऑफिस जा रहा हूँ बोलकर लड़की घुमा रहा है। हाँ अभी फोन करता हूँ। अभी फोन मत कर, थोड़ी देर रुक जा, कुछ टाइम बात करना। साला लड़की के चक्कर में हमको झूठ बोलता है। भगवान कसम बहुत खूबसूरत लग रही है। तुम्हारी जैसी वाइफ ना तो जिंदगी बहुत अच्छी कटती है। मुझे देना, मैं सब समझती हूँ। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे हर बार मंदिर ले आती हो? प्यार करने वालों की जगह ये नहीं कहीं और है। क्यों मंदिर आना गलत है क्या? गलत नहीं है, मगर इसका ये मतलब भी तो नहीं कि हम पूरा दिन मंदिर में घूमते रहें। मंदिर और घर पवित्र होते हैं। मंदिर में मुझे मन की शांति मिलती है और घर में आराम। और मेरे साथ तुम बिना कुछ भी बोलते हो। मजाक कर रहा था। अरे जरा उन्हें देखो कितने खुश लग रहे हैं। हमें भी उनकी तरह खुशी कब मिलेगी? कारोबार की कामना बहुत जल्दी मिलेगी। चल अभी फोन लगाओ, फोन करता हूँ, देखते हैं। हर वक्त फोन पे लगे रहते। एक मिनट रुको। हाँ बोल भाई। अबे कहाँ है तू? ऑफिस में हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। अच्छा तू ऑफिस में? देखते से कैसे झूठ बोल रहा है। चल कोई बात नहीं, हमने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, सोचा उसकी पार्टी देते हैं। मगर तू तो ऑफिस में है, तुझे बाद में मिलते हैं, अभी पार्टी करनी है। अरे रुक रुक मैं अभी आ रहा हूँ। काम कर हम देख लेंगे। ऑफिस से निकल चुका हूँ, टेंशन मत ले, बस पहुँच ही रहा हूँ। अब आया ना लाइन पे? आने दे। हाँ जाओ ना। सॉरी विद्या, हमेशा ऐसा ही करते हो। बस ये लास्ट टाइम है। ठीक है जाओ, फटाफट आता हूँ। आओ बेटा। कैसे हो अंकल? ये बताइए आपकी बेटी कहाँ है? उसे रोज ऑफिस ले जाने के चक्कर में मैं लेट हो जाता हूँ। तैयार हो रही है। माँ, क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही है? मैंने कितनी बार कहा है कि अपने कपड़ों को मेरे कपड़ों के साथ मत रखा कीजिए, अब समझती नहीं है। कैसे हो बेटा? मेरा ब्लू टॉप कहाँ है? वही अलमारी में होगा ना, ठीक से ढूंढना भी नहीं आता। मैं नहीं रहूंगी तो पता नहीं क्या करेगी, पूरा घर सर पे उठा रखा है। बहुत ही लापरवाह लड़की है। अरे अरे नाश्ता तो करके जाओ, ऑफिस जाकर खा लूंगी। चल जल्दी चलना, हम लेट हो गए हैं। बेटा अब से तुम मुझे अंकल नहीं ससुर जी बुलाया करो। ओके अंकल। टाइम वेस्ट मत कर। चल रहा हूँ ना। क्यों बे, कल तुझे कितनी बार फोन किया लेकिन तूने मेरा एक बार भी फोन नहीं उठाया, कहाँ था बे? यार एक फ्रेंड के पास कहानी सुनाने गया था, उसे कहानी इतनी पसंद आई कि उसने प्रोड्यूसर को सुना दी। प्रोड्यूसर कहानी सुन के इम्प्रेस हुआ और बोला वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगा और मुझे इस फिल्म का डायरेक्टर बनाएगा। अबे साले डायरेक्टर बनने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए पता भी है क्या? अरे काय का एक्सपीरियंस यार, एक DSLR उठा और पूरा दिन शूट करके एडिटिंग को दे दे। अगर 10 मिनट की पिक्चर एडिट हुई तो वो शॉर्ट फिल्म बन गई, और वही तूने 2 करोड़ की फिल्म शूट की तो वो फीचर फिल्म बन गई। ओह तेरा कुछ नहीं हो सकता। आओ बैठो बैठो। नमस्ते सर। म्यूजिक डायरेक्टर साहब हमारी फिल्मों के गानों की धुन बना रहे हैं। 12 बजे रात को मेरे घर पे चले आना, मगर भाई चुप हो जा, मेरे करियर का सवाल है। ठीक है ठीक है, लेके आना 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 जरूर आना, आके अपनी खुजली जरूर मिटाना, वरना मत आना मेरी जाने जाना। मल्लम मिले लोशन मिले कुछ भी जरूर लाना, खुजली के साथ गैस ट्रबल हो रही है। अबे म्यूजिक कंपोज करते वक्त ये प्रोड्यूसर कब से धुन बनाने लगा, वो भी बिना किसी सिचुएशन के। मरवाएगा। अब तुम इस धुन पर एक सीन बनाओ। सर फिल्म में इंटरवल के पहले जो सिचुएशन है उसमें यही गाना होगा सर। गैस निकलने वाली है अब जल्दी हो गया धमाका, आधे मिनट में निकलने वाली है, गड़बड़ मत करना, होगा धमाका। निकली ज्योति अकेली, आनंद आ गया अब तो आनंद, अब बोलो पिया 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 हो पिया 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 हो पिया हो पिया। अरे चल चल भाई कल्टी मार यहाँ से। रुकना यार मेरे करियर का सवाल है।
दिमागी दही कर दिया। उस म्यूजिक डायरेक्टर को म्यूजिक का एम भी नहीं पता था। सही बोला तुमने। अगर ऐसा म्यूजिक बनाया ना तो पिक्चर सीधा डब्बे में जाएगी। सच कह रहा हूँ। कहाँ भागेगा तू? सर हम अच्छी फैमिली से। हम अच्छी गुड फैमिली। दारू भी रखे दोनों। फैमिली तेरा चल। कोई स्मेल नहीं आया सर। नहीं नहीं कोई नहीं आया। झूठ बोलता है तू। अभी आप भूखो सर। मार मार। कितनी गंदी स्मेल। भोकट का माल पीने से ऐसा ही स्मेल आता है सर। हम तो पैसे होते हुए भी भोकट की पीते हैं। छोड़ सब। हाँ इसको बोल रहा है। जल्दी कर। सॉरी सॉरी। अभी बता दूँ तेरे को कितना। हाँ सर बोलिए कितना फाइन भरना। फाइन भरना पड़ेगा। मोबाइल दो। बोलो सर क्या। इसको दे लिख जल्दी। बोलो सर क्या क्या लिखना। बोलो नहीं है बोल सर बता रहे हैं। टोटल हुए 2800 रुपए सर। 2800 भर और बाइक लेके जा भाई। ये तो 2800 रुपए मांग रहे हैं। अच्छा तो ठीक है ना। दे रहे हैं। रुको तो क्या बात है। मुझे टेरेस पर बुलाकर तुम सब ऐसे चुप क्यों खड़े हो। अबे देख क्या रहा है। हमें कोई नहीं खिलाने वाला। खुद ही खाना पड़ेगा हमें। ये ले खा। ये ले। मुझे खिला मैं तुझे खिलाता हूँ। ये तू खा नहीं रहा। मैं देता हूँ। ये ले। ये लास्ट बाइट। थैंक यू सो मच गाइस। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे है। मजा आ गया। सिर्फ थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा। तो फिर पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ पार्टी। हाँ दूंगी मगर मैं अपने मम्मी पापा के साथ मंदिर जा रही हूँ। पैसे देती हूँ तुम लोग पार्टी कर लो। अच्छा बाबा ठीक है। तुम बस फाइनेंस कर देना। पार्टी की तैयारी हम कर लेंगे। कर लेंगे। हैप्पी बर्थडे जानू। थैंक यू। थैंक्स यारो। मैंने इसमें नमक डाला या नहीं। अरे दुनिया की पहली बेटी हो जो अपने पियक्कड़ बाप को ऑमलेट बनाकर खिला रही हो। खिलाओ खिलाओ। पापा देख लेंगे। छोड़ो मुझे। वो तो पीकर टल्ली हो गए हैं। अच्छा तो तुमने ये सब पहले से प्लान किया हुआ था। तो कैसा लगा मेरा प्लान बोलो ना। अच्छा लगा ना। आज तो बहुत रोमांटिक मूड में हो। ए, मूड तो अब बनना शुरू हुआ है। लो बन गया। ए, दो ना। नहीं नहीं छोड़ो मुझे। भाई मैं तेरा बाहर वेट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है तुझे मैं आता हूँ। भाई प्यार करने वाले कपल पार्क में और बीच पर घूमते हैं। ये तो फैमिली के साथ मंदिर में घूम रहा है। ऊपर से हम उसका वेट कर रहे हैं यहाँ। कपल्स का कोई भरोसा नहीं। जब तक माँ बाप को
उनके प्यार के बारे में नहीं पता चलता, वो पार्क और बीच पे घूमते हैं। जब माँ बाप प्यार एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऐसे ही मंदिर में घूमते हैं और टाइम पर घर भी चले जाते हैं। तू छोड़ना भाई, वैसे भी अपने दोस्त का सच्चे वाला प्यार है, उसके लिए जान हाजिर है। तेरी बात सही है, मंदिर आकर काफी अच्छा लगा। विद्या तुम्हें अच्छा लगा? अरे प्रमोद जी। भाई साहब आप? और प्रमोद जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, आज मंदिर में? आज हमारी शादी की सालगिरह है तो सोचा परिवार के साथ मंदिर आकर दर्शन कर लूं। आप अपनी शादी की सालगिरह मना रहे लेकिन अपनी बेटी की शादी कब करेंगे? अरे दूल्हा तो रेडी है, हो सका तो इसी साल करा देंगे। वेरी गुड अंकल। बेटा कहाँ काम करते हो? जिस कंपनी में विद्या काम करती है मैं भी वही काम करता हूँ। आजकल के बच्चे अपना लाइफ पार्टनर खुद ही ढूंढ लेते हैं, पेरेंट्स को तकलीफ नहीं देते। नहीं ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए? घर में सिर्फ मम्मी है मगर वो भी ज्यादा बाहर नहीं निकलती। ओ, एक तरह से ठीक ही है, पति के गुजर जाने के बाद लेडीज ऐसे फंक्शंस में नहीं आती। नहीं अंकल, पापा हैं पर हमारे साथ नहीं रहते। क्यों, क्या हुआ? उनका डिवोर्स हो गया क्या? नहीं डिवोर्स नहीं हुआ है, पर वो कहाँ है हमें नहीं पता। मैं कुछ समझा नहीं, वो कहाँ है ये पता नहीं या फिर वो कौन है ये पता नहीं? अंकल ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मारे शब रो रहा है। क्या हुआ, इसका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हेलो। हाँ हेलो चंद्रू। हेलो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कल से ऋषभ मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो कहाँ है, कैसा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं फोन कर रही हूँ तो कॉल भी कट कर रहा है। हमें कुछ भी करके उसे ढूंढना होगा, प्लीज तुम जल्दी मेरे घर आ जाओ। फोन पर बात नहीं कर सकते, तुम घर आ जाओ। ठीक है विद्या, मैं आ रहा हूँ। उस आदमी की बात भी तो सही है, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? इस बात को लेकर मैं बहुत डर रही थी। चलो हम गांव चले जाते हैं, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, कैसे हैं कुछ नहीं पता। गांव में हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं। सॉरी ऋषभ। बोलो। पापा के फ्रेंड ऐसी बातें करेंगे, हमें से किसी को नहीं पता था। क्या करते कुछ समझ में नहीं आया। समझ आता भी कैसे, और उसे क्या फर्क पड़ता, जलील तो मैं हो रहा था ना। अपनी माँ से पापा के बारे में मैंने खुद आज तक कुछ नहीं पूछा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तुम्हारे लिए तो मम्मी डैडी रिश्तेदार सब मौजूद है लेकिन मेरे लिए सिर्फ मेरी माँ, और सिर्फ मैं मेरी माँ के लिए। आज तक बस हम ऐसे ही जी रहे हैं। हे, तुझे थोड़ी भी अकल है क्या? सुबह से फोन कर रहा हूँ, एक भी फोन रिसीव किया क्या तूने? सुबह से कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने तुझे। अरे चंद्रू, उस आदमी ने 20 सड़क पर सबके सामने मुझे जलील किया। इसकी मम्मी, इसके पापा, यहाँ तक की ये खुद भी मेरे फेवर में एक शब्द तक नहीं बोल सकी। उसकी बातों को इतना क्यों दिल पर ले रहे हो? विद्या इसे समझा कर घर ले जाओ, मैं निकलता हूँ। इस बात को लेकर मम्मी पापा भी बहुत परेशान हैं। अगर तुम्हारे मम्मी पापा वहाँ नहीं होते ना तो मैं। सुनो, I love you। मेरा बाप कौन है, वो कहाँ है, इसका पता मैं जरूर लगाऊंगा। ऋषभ, I'm sorry, I love you। हाँ।
हुआ तुझे? बड़ा थका थका लग रहा है। भैया देखो, बात यह है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, इसलिए थका रहता हूँ। माँ को हॉस्पिटल लेके गया था? हाँ भैया, लेकर गए तो थे। भैया को छोड़ तू क्यों नहीं लेके गया? टल्ली होकर घूमने के अलावा कोई काम है तुझे? हाँ, मन में खुशियाँ उमड़ रही हैं, दिल की धड़कन बढ़ रही है। इस तरह तू लेट कर यहाँ गाना गाता रहेगा या और कोई काम काज भी करेगा? सिंगर नहीं है तू? कैसा नालायक बेटा पैदा किया है मैंने। तुम्हारी माँ कितनी मेहनत करती है, तुम उसका हाथ क्यों नहीं बटाते? और भाई कैसा है? क्यों बे, क्या हाल है? लो आ गए, ये डॉक्टर और ये कलेक्टर। क्या बात है बिरजू, तेरे को सलाह दे रहा है? क्या हुआ? क्यों बे, शहर में तो तूने रंग बिरंगी तितलियां देखी होंगी। तेरे की अब घनचक्कर, वहाँ रंग बिरंगी तितलियां देखी इसलिए भाई का रंग फीका पड़ गया है। अबे हो, सही बोला, तुम लोगों की क्यों जल रही है? आँखों में सौ सपने लेकिन दिल की तुम ही हो मलिका। ये भी कोई सपना है? अबे सपने देखना है। अच्छा खासा तितलियों के साथ था। सपने देखना बंद कर, नहीं तो पागल हो जाएगा। अरे भाई, सुबह का सपना सच होता है? पहले ही बता देता हूँ, चल 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 मेरे साथ। पढ़ाई करके भी निकम्मे ही घूम रहे। चल यार, बड़े दिन हो गए ग्रैंड मस्ती नहीं की है। अरे यार ये क्या है, इतना टाइम हो गया गणेश का कोई अता पता ही नहीं है, कहीं वो स्कूल की तरफ तो नहीं चला गया? कहाँ रह गया? तो क्या हुआ, मैं अभी तो रोज स्कूल के पास जाता हूँ। मैं सब जानता हूँ, लेकिन स्कूल के पास जाना बड़ी बात नहीं होती, स्कूल में जाकर पढ़ाई भी करनी पड़ती है। हमने साथ पढ़ाई की थी, लेकिन आज तू बेकार यहाँ बैठा है। हाँ, बोल ले, तेरा टाइम है, मेरा भी आएगा। वो देख गणेश आ रहा है। हाय, कैसे हो भाई लोग? कैसा है भाई? मैं खास बात बता रहा था, सुनेगा? अभी घर से ये खास बात सुन के आ रहा हूँ, वो मुझे तो खास नहीं लगी, अब तू भी सुना दे। मैं घर से बाहर निकला, मेरी वाली का खत आ गया। अरे तेरी वाली का तो खाली खत आया, मेरी वाली तो नाइटी पहन के सामने आ गई। तेरी तो निकल पड़ी। सही है ना? तूने बोला तो सही होगा, तो इसको भी समझाना। अबे इस मोटे का नाम किसने रखा है? गुल्लू नाम सही तो है, सोच समझ के रखा है मोटा। गणेश ने इसके बारे में एकदम सही बोला था, सोच समझ के ही रखा है। गणेश ने इसके बारे में सही बोला था। चल चल, केले के फूल ले लो, केले के फूल, केले के फूल ले लो, केले के फूल ले लो, केले के फूल, केले के फूल, केले के फूल ले लो, केले के फूल, केले के फूल, केले के फूल, केले के फूल ले लो। आया तो फूल को देख। अरे फूल को ही तो देख रहा हूँ। केले के फूल ले लो, केले के फूल, ताजा ताजा केले के फूल। दीदी, तुमने वो खबर सुनी क्या? कौन सी खबर? वो चिटफंड की मैनेजर और सुषमा के पति के बीच कुछ चल रहा है। तुझे नहीं पता? अरे उन दोनों के बीच लफड़ा चालू है। मुझे कैसे पता चलेगा, मैं गांव में थोड़ी ही थी। तो गांव में रहती कब है? अरे ओ मानसी, कहां से आ रही है? क्या दिख नहीं रहा क्या? आजकल टेम बड़ा खराब चल रहा है, गांव के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कहीं भी जाए ट्रेन से घर आ जाया कर। गांव वाले कुछ नहीं बोलते, बस तेरी जुबानी कैंची की तरह चलती है। अभी ना मुंह बंद रख के काम कर, वरना मेरे को तो जानती नहीं। हाँ कहीं सटक गई ना? हाँ दीदी, कैसे बात करती है तुम्हारी बेटी? अरे ओ खड़ी होकर बहस क्यों कर रही है, जा जल्दी घर जा, जल्दी कर। हाँ ठीक है माँ। और तू जल्दी हाथ चलाना। ओ
पूछने में शर्म आ रही है, मगर मन कर रहा है पूछने का। ये तो मेरी रिश्तेदार है, मुझे बाहर बोलने में शर्म आ रही है। मौसी की बेटी को मुझसे अलग कर दिया, मामा की बेटी को मुझे तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। सुना तूने, क्या जमाना आ गया है। ये मोटा मुझे समझा रहा है। अरे तू बोल तो रहा है पर हम कहाँ सुनने वाले हैं। अबे तेरे बोलने से कोई फर्क पड़ता है क्या किसी को? तू चुप ही रहा कर, याद रखना तुम लोग। अरे तो बेकार में डर रहा है भाई, सुन ले, एक दिन मेरी बात सच निकलेगी। तब देखा जाएगा, समझा। कल केले के फूल बेच रही थी, आज दूध, कल क्या बेचोगी? लड्डू बेचूंगी। आइए भाइयों और बहनों, आपके लिए सुपरमार्केट तैयार है। मेरी जो चाहिए ले जाइए, आइए ना। जिससे तुमको देखा जीते हैं मरते हैं, तुम ही कुछ बतलाओ इसको क्या कहते हैं। LOVE। कपड़े तो ठीक से घड़ी करना सीख ले। तुझसे एक काम ठीक से नहीं होता है, बस कैची की तरह जुबान चलाती है। अरे आओ मुत्थु। कैसी हो दीदी? ठीक हूँ। आपका काम हो गया? हाँ, कैसे हो? अरे ये महारानी ढंग से काम कहाँ करती है, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। ये बताओ अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? नंदिनी ने अपनी बेटी के लिए कोई फंक्शन रखा है, आपको बुलाया है? हाँ हाँ मुझे बुलाया है, मैं जाऊँगी। ठीक है, जब तुम जाओ तो मुझे भी बुला लेना, साथ चलेंगे फिर। ठीक है, साथ चलते हैं। तुमने ट्यूशन ज्वाइन किया? तुमने ज्वाइन कर लिया? हाँ, कल ही एडमिशन लिया। ओह, जब जाओगी तो बताना, साथ ही चलेंगे। हाँ, ओके ओके। ये तुम्हारी माँ क्या खबर लेकर आई है? बाजू के गांव में कोई फंक्शन है तो उसी के बारे में पूछने आई है। तो ये बात है, तुम जाओगी ना? हाँ मैं तो जाऊंगी, तुम? हाँ मैं भी आऊंगी। चलो चले बेटा, तो मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। पापा मुझे और पढ़ना है। तुम और पढ़ाई करो, ये तो मैं भी चाहता हूँ। तो आप उनसे बात करके देखिए ना पापा। उसे समझाना मुश्किल है। बहुत हो गई तुम्हारी पढ़ाई, चलो अब काम करो। देखो ना पापा, तुम अपना काम करो ना। तुम्हारे लाड़ प्यार ने ही इसे बिगाड़ के रखा है। क्या बोल रही है ये? और पढ़ना चाहती है। बहुत हो गई इसकी पढ़ाई लिखाई, को लड़का देख के इसकी शादी कर देते। भैया जो लड़कियाँ मेरे साथ पढ़ रही थी वो आगे भी पढ़ रही है, इसीलिए बोल रही हूँ। देख इसे पढ़ना है तो आगे पढ़ने दे, तू जा अपना काम। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। ए, पूरा दिन अपने लफंगे दोस्तों के साथ घूमता रहता है, कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेता? तू भी इनके जैसा क्यों बन रहा है? हाँ वो मैं देख लूंगा, तुम डांटना बंद करके काम करो। तू पौधे क्यों उखाड़ रहा है? अपने दामाद को ऐसे मत डांटो। अच्छा तुझे कौन देगा अपनी लड़की? चाहिए भी किसको? देख बिरजू सुबह से भूखा प्यासा काम कर रहा है, आज तू बाजार चला जा। हाँ हाँ चला जाऊँ। हाँ चलो रे। कब सुधरेगा भगवान जाने, कैसा नालायक बेटा है। नाम है मेरा गुल्लू, बनाता हूँ सबको उल्लू, ढीला है मेरा टुल्लू, चलो बल्ले हल्लू हल्लू वाली आ रही है। अरे हल्लू हल्लू हाँ, बीच सड़क में खड़ा, चल बाजू हट। ओ तरबूज, पढ़ाकू बच्चों के साथ मस्ती कर रहा है, हटा अपने ट्रैक्टर को। अबे मौसम भी दिख गए तो दोस्त तरबूज हो गया, ठीक है मुन्ना। अरे क्या नशीली आंखें हैं। अबे क्या चक्कर चल रहा है? समझ जाएगा, वेट तो कर। अबे बता
कौन सी खिचड़ी पका रहा है तू? लगे रहे बिंदास। इतनी देर हो गई लेकिन अभी तक नहीं आई। कल तो इस टाइम पर आ गई थी। आए पता नहीं और कितना वेट करवाएगी। उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। चलो और थोड़ी देर वेट करता हूं। लगता है उसके आने से पहले मेरे दोस्त ही आ जाएंगे। टाइम भी हो रहा है, अभी तक क्यों नहीं आई? ऊपर से झुलसा देने वाली गर्मी। मेरे हाथ का बना हुआ पान तुम्हें इतना अच्छा लगता है? भाई तुम्हारे गांव का पान तो बड़ा मीठा और रसीला है। तुझे इतना भी समझ में नहीं आता कि लोग यहाँ पान खाने के बहाने तुझ पर लाइन मार रहे हैं? चलिए पान बेचने। कितना कमीना इंसान है तू, मुझे क्यों मार रहा है? अगर हिम्मत है तो जाकर उसको मार, उसके हाथ पैर तोड़, उससे मर्दानगी दिखा। चुप हो जा। हर रोज चोरी छुपे तुम्हें घर के अंदर आने देती हूँ, उसका ये सिला दे रहे हो तुम मुझे? मैं आता हूँ उसमें तेरी भी मर्जी होती है। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करता तेरे साथ, समझी? बकवास करती है। अब बस भी कर, यहाँ से चल, कहीं और चल के बात करते। चल घर पे आ, फिर दिखाती हूँ तुझे अपना जलवा। आज रात को इसका फैसला करेंगे। संभल कर। तुझे बार बार देखने का मन करता है, तुमसे हर रोज बातें करने का मन करता है। आवाज तेरी सुनने को कान मेरे कंचन। हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिलता था क्या? कुछ खास नहीं भैया, बहुत कमजोर हो गई हो। घर की याद आ रही थी ना। उस कमजोरी को दूर करने के लिए माँ ने तुम्हारे लिए देसी चिकन बनाया है। अभी नहीं, क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए, जो मांगेंगे वो दे देगी क्या? कुत्ते की तरह दुम हिलाते आ रहे हो, शर्म नहीं आती? अरे मेरी रानी, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। चल भाग। वो नहीं आने वाला। अरे जाने दे उसे, वो हमेशा ऐसे ही करता है। तू बहुत सपोर्ट कर रहा है उसका, एक दिन तुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। ओए, अबे वो देखो वहाँ कुछ लड़के लड़कियों को छेड़ रहे हैं। चल जरा। कौन हो तुम लोग? ओए, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? मैं जो हूँ वो हूँ, तू कौन है? अरे शाने, चल रास्ते से हट। छोड़ूंगा नहीं। आपको हॉस्पिटल ले चलूं? नहीं नहीं, मामूली चोट है, ठीक हो जाएगी। क्या वो हॉस्पिटल गया होगा? कल सुबह होते ही जाकर मिलती हूँ उससे। अरे
अरे पांडी। क्या है माँ? तेरे पापा जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं और उन्हें आने में देर हो जाएगी, इसलिए घर के कामों में जरा हाथ बटा लिया कर। कहाँ चले जाते हैं? जैसा बाप वैसा ही बेटा। आज इसको क्या हो गया? माँ मैं लिफ्ट सोसाइटी जा रही हूँ। यही तो खड़ी हूँ, चिल्ला के क्यों बोल रही है? बड़ी अजीब लड़की है। अरे भरा हुआ कैन तो यहाँ रखा है, खाली कैन क्यों लेके चली गई? अरे वापस आ, भरा हुआ कैन लेके जा, आ जा। दिमाग तो पता नहीं कहाँ है इसका। अबे रुक जा, अबे रुक, रुक अबे जा। ए, क्या मैंने तुझे वहां रुकने को बोला? पागल हो गया क्या? क्यों नहीं रुका? क्या हुआ मानसी, यहाँ क्यों खड़ी हो? मेरे टायर की हवा निकल गई। हाँ? पर दोनों टायर में तो हवा फुल है, फिर क्यों खड़ी हो यहाँ? वो यहाँ से मेरी फ्रेंड आने वाली है ना? आने वाली है या आने वाला है? इससे तुझे क्या लेना देना? और तू ऐसे भागा क्यों आ रहा था? अरे मानसी तू नहीं जानती, इससे डबल सीट बिठाया तो मेरा टायर फट गया, अगर फिर बिठाऊंगा तो फिर फट जाएगा, इसलिए इसको भाग के आने दे। चल रहे है, दौड़ के आ। अबे रुक, मैं आ रहा हूँ, रुक। इतनी देर हो गई है, अभी तक उसका पता नहीं। बहुत देर हो गई है, मुझे जाना चाहिए। क्या उसके दोस्तों से पूछना चाहिए था मुझे? साइकिल तो यहाँ है मगर वो कहाँ है? कहाँ गया होगा? लगता है आज भी नहीं मिल पाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, उसके लिए केले का फूल रख कर जाती हूँ। यार वो कहाँ गया होगा? कहाँ जा सकता है, यहीं कहीं होगा। कितने दिन हो गए मैंने उसे देखा नहीं। कुछ दिनों से उसके तेवर बहुत बदले बदले से लग रहे हैं। हमने इसे सभी जगह ढूंढा और ये यहाँ पर खड़ा है, और वो भी हाथ में केले का फूल लेकर खड़ा है। क्या भाई, कैसे? कल जो फूल बाजार में बिक रहे थे वो तेरे हाथ में कैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चल देख लिया हमने उसे, अब बाहर निकाल। बता, बता, क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, जाके अपना काम करो। अरे मधु तुम जाओ, मैं एक बुक भूल गई हूँ, घर जाकर अभी लाती हूँ। कोई बात नहीं, हम यहीं खड़े हैं, तो तुम जाकर आ जाओ। सुनो तुम लोग यहाँ क्यों खड़े रहोगे, मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ। कुछ तो चल रहा है तुम्हारा, ठीक है हम चले जाते हैं। Thank you.
कहीं आकर चला तो नहीं गया? बहुत चोट लगी है क्या? नहीं, बस जरा सी। दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, दर्द नहीं है। वो लोग मुझे छेड़ रहे थे, तो तुमने उन्हें क्यों मारा? अगर कोई तुम्हें छेड़ेगा तो क्या मैं उन्हें छोड़ दूंगा? वही पूछ रही हूँ, तुम्हें गुस्सा क्यों आया? नहीं जानता। बाजार जाते हो वहाँ आते हो, ट्यूशन जाते हो वहाँ आते हो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये भी नहीं जानता। ये सब क्यों कर रहे हो नहीं जानते? हाँ, मैं बस एक ही बात जानता हूँ। वो क्या? कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुनो तुम, ये सब मत बोलो। हाँ, अरे तुम भी तो करती हो। पर मैं तो नहीं करती। मुझे तुमसे प्यार है इसीलिए इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें मुझसे प्यार है इसीलिए मुझे ढूंढते हुए आई हो। अगर प्यार नहीं होता तो तुम यहाँ आती ही क्यों? अपना बढ़ता ही रहे, दूर
खाना खाया? क्या बात है, परेशान लग रहे हो? पता नहीं क्यों तुम्हारे गांव के कानून के बारे में सोचकर ना मुझे डर लगता है। डर लग रहा है किस बात का? यही कि हम दोनों अलग जात के हैं इसलिए। तो उसमें क्या हुआ? वो इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। वो तुम्हारे या मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो हमें जान से मार देंगे। वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझे तुम? क्या यही बताने के लिए तुमने मुझे बुलाया? जब तक तुम्हें देख ना लूं, तुमसे बात ना कर लूं, तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूं। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। ये सब बात छोड़ो, मेरा रंग काला है, फिर भी तुमने मुझे क्यों पसंद किया? तुम्हारे काले रंग की वजह से पसंद किया। ये बताओ मैं क्यों पसंद हूँ? वो इसलिए क्योंकि जब भी कोई मुझसे मिलता है ना, तो यही पूछता है कि तुम कैसे हो। किसी ने कभी खाने के लिए नहीं पूछा, लेकिन जब मेरी माँ मिलती है ना, तो हमेशा पूछती है कि तुमने खाना खाया, और उनके बाद तुमने पूछा है, माँ की ही तरह। इसीलिए तुम मुझे बहुत पसंद आई। कच्चे में घूम रहा है, लुंगी कहाँ है तेरी? नहाते समय नदी में बह गई तो क्या करूं? तू नहा रहा था कि लुंगी को नहला रहा था? एक बार बोला तो आपको बार बार क्यों रट लगा रहे हैं? ऐसे बात करता है बाप से, खाल खींच लूंगा तेरी। तेरी लुंगी कहाँ है और किसके घर में है सब जानता हूँ मैं। जवान बहन घर में बैठी है, तू बाहर गुलछर्रे उड़ा रहा है, बेशर्म कहीं का। दोबारा हाथ लगाया तो भूल जाऊंगा तू मेरा बाप है। मेरी जो मर्जी मैं करूंगा, तुझे जो करना कर ले जाए। जरा देखिए ना इसे, किस तरह की बातें कर रहा है ये। गांव वालों ने मुझे समझाया था अपनी बहन को बाहर हॉस्टल में पढ़ने के लिए मत भेजो, लेकिन मैंने ही उनकी बात नहीं मानी और इसने अपनी हरकत से उनकी बातों को सच कर दिया। छोटू। जी भैया। क्या बात हो गई? भैया जी तुम ही समझाओ इसे कुछ। हॉस्टल भेजा था पढ़ने, लेकिन अपना मुंह काला करके आ गई है। अगर ये बात गांव में फैल गई तो हमारी क्या इज्जत रहेगी? हम फिर कभी सर उठाकर इस गांव में जी पाएंगे क्या? मार के यही गाड़ दो इसे। अरे बच्ची है, ऐसी उम्र में गलतियां हो ही जाती हैं। सब ठीक हो जाएगा, मैं सब देख लूंगा। छोटू चल तू मेरे साथ आ। सुनो एक दिन और वेट कर लो, वो मेरे दोस्त का बेटा है, एक बार पूछ लूं फिर फैसला करना। सब मुझ पर छोड़ दो। हे भगवान क्या करूं, मेरी वो हमारी जात का भी नहीं है। ये लो भाई पी डालो इसे। ये लो चखना भी खाओ। छोटू सुना है कि तेरी बहन के पीछे यहाँ का कोई लड़का पड़ा है, कौन है वो लड़का? अगर वो हमारी जात का होता तो बातचीत करके शादी करवा देता, मगर वो किसी नीची जात का है, पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। आप मेरी एक बात सुन लो भैया जी, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। कल सुबह का सूरज वो नहीं देखेगी, उस घर से अब सिर्फ उसके अर्थ ही उठेगी। ए, तू बैठ जा, किसी को पता नहीं चलेगा, रातों रात हम उसे ठिकाने लगा देंगे। भैया जी, पिताजी से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है क्या? मतलब उनके सामने इतना गुस्सा क्यों दिखाते हो? वो बुड्ढा इस वक्त भी कहीं खड़ा होकर चार लोगों से मेरी बुराई ही कर रहा होगा, समझे? भैया जी पिताजी की बुराई करना अच्छा लगता है क्या? यार मैं कच्चा पहन के घूम रहा था तो क्या गलत किया? गलत? बिल्कुल गलत नहीं किया भैया। इस पूरे गांव के तुम राजा हो, तुम कच्चा पहन कर घूमो या बिना पहने घूमो, तुम्हारी मर्जी है। पियो भाई। गला गीला करो भैया, कल तक सब ठीक हो जाएगा। मजा आ गया।
छोटू सब ठीक हो जाएगा। सुन, कल सुबह होने से पहले अपने माँ बाप को कहीं बाहर भेज दे, ठीक है? ठीक है भैया। उसके तुरंत बाद मैं आ जाऊंगा, जहर का इंतजाम करके रखना, ठीक है? वो तो घर में ही है। बहुत अच्छा। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, मैंने जो किया है वो गलत है, मुझे माफ कर दो माँ। माँ, अभी मेरे पैर पकड़ने का क्या फायदा, मैं क्या कर सकती हूँ, छोड़ मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह पाला, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिलाई और सोचा किसी अपने जात वाले लड़के के साथ तेरी शादी करवाऊंगा, मगर तूने मुझे अच्छा पाठ पढ़ाया। अब बिना कोई शोर शराबा किए चुपचाप इसे पी ले। हटाओ इसे, जाति के नाम पर अपनी झूठी इज्जत के लिए कितने बेगुनाहों को मारा है आपने, जितने लोगों को मारा है उसका जवाब कौन देगा? किसी की जिंदगी को जीने का हक किसने दिया आपको? प्लान करके तुमने माँ और पिताजी को बाहर भेज दिया ताकि तुम अपनी सगी बहन को मार सको। ये क्यों कर रहे हो तुम? हटो यहाँ से। तू खड़े खड़े क्या देख रहा है इधर से? We'll be right back.
बस सारे मारो सारे को मारो से और छोड़ना नहीं आज हमारे गांव की दो बेटियों के साथ गलत काम करने वाला सिर्फ नहीं है मारो ले चलो साले मारो सारे क्या ले ले चल 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 मारो सारे मारो सारे ले चलो आज तो छोड़ना इसका सर लगे आज इसको सबक सिखा के रही है जिंदगी छोड़ना इसे और इसको मार काम ये तो मार मार आज ही बचेगा नहीं और मार कहाँ जा रहा है मार इसे मार और मार भगा इसको भगा इसको भगा इसे भगा ना भाई मार इसे मार इसको मार इसे आप कर दिया है इसका हिम्मत आज के बाद ऐसी हिम्मत नहीं करेगा डालो मिट्टी खत्म करो यार किसी को पता नहीं चलना चाहिए डाल चलो देख इधर मुंह पर भी डाल हमारे गांव की औरतों पर बुरी नजर डालने वाले का यही अंजाम होगा मारी तो पढ़ी लिखी लड़की थी अगर पेट से थी तो कोई दवा ले लेती ऐसे जान देने की क्या जरूरत थी उसको बहुत बुरा हुआ सब इसी ने किया है मगर कैसे भोला बनकर खड़ा है जैसे कुछ जानता ही ना हो सुनो माँ उसकी कोई और परेशानी रही होगी हाँ? अब तो खैर सब खत्म हो गया सब किस्मत का खेल है कोई फायदा नहीं माँ सुनो देखो काम पर नहीं जा रहे हो तो कोई बात नहीं मगर वक्त पर खाना खा लेना हाँ हाँ खा लूंगा मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं मैं सिर्फ पांचवी क्लास तक पढ़ा हूँ मगर कोई काम करने में कभी शर्म नहीं की मैंने फिर से शुरू हो गया इसका लेक्चर शुभम पढ़ाई में मेरा कभी मन नहीं लगा इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए ये मत सोचना कि खेती करना घिनौना काम है सिर्फ हमारे ही देश में पढ़े लिखे लोग खेती करने को घिनौना काम मानते हैं तो तुम चाहते हो मैं इतना पढ़ लिख कर इस कीचड़ में काम करूं सुनो हर देश में पढ़ा लिखा इंसान ही खेती बाड़ी को आगे लेकर जा रहा है सिर्फ हमारे ही देश में पढ़े लिखे लोग जो है वो खेती करने को छोटा और घिनौना काम मानते हैं देख तू ना गलत समझ रहा है मुझे ऐसा कुछ नहीं है अगर सब तेरी तरह सोचने लगे तो ऑफिस में काम करने वाला कोई नहीं मिलेगा देखो शुभम ऐसी कोई बात नहीं है हम पढ़ाई करते हैं ताकि देश विदेश की जानकारी हासिल करें अगर हम खेती को छोटा काम समझेंगे तो गांव में ना किसी को भी खाना नहीं मिलेगा समझे अबे ओ बंद कर अपनी बकवास पहले मेरी माँ मेरा सर खाती थी अब तूने खाना शुरू कर दिया है देख लेना तुम बस कुछ दिनों की बात है ये जो पढ़े लिखे लोग है ना ये सब खाने के लिए दर दर भटकने वाले हैं तब जाकर तुम्हें समझ आएगा खेती का असली महत्व क्या होता है लगता है आज फिर से सुबह सुबह पी के आ गया है इसकी अकल पर पर्दा पड़ गया है पीछे आ रहा है ना आने तो क्या फर्क पड़ता है ठीक है
ध्यान नहीं देते, वही सही रहेगा। देखो पीछे देखो। कोई काम धंधा नहीं है क्या? किसने बोला काम नहीं है? तुम्हारे पीछे पीछे घूमना तो मेरा काम है। नौकरी मिलने तक कुछ और तो कर ही सकते हो। नौकरी तो कभी भी मिल जाएगी, लेकिन ऐसी छोकरी कहाँ मिलेगी। ओ, तो इतना प्यार करते हो। टाइम आने पर बताऊंगा। तुम मुझे कॉलेज के गेट तक छोड़ोगे? हर बार एग्जाम में फेल हो जाती हो, लेकिन कॉलेज हमेशा टाइम पर जाती हो। इस बार पास हो जाओगी या नहीं? अगर तुम मुझे प्यार से पढ़ाओगे तो जरूर हो जाऊंगी। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके बाय। बाय। तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं, तुम्हें आना ही होगा। हम दोनों साथ मिलकर फंक्शन में जाएंगे। हाँ। बस एक बार वहां पहुंच जाए। आज शादी में तू पहले गाना, फिर हम सब गाएंगे। हाँ सही कह रही है। सबने गाने की तैयारी कर ली है ना? हाँ हाँ कर ली है। गाना अच्छे से याद हो गया? अच्छे से याद हो गया। किसी ने देख लिया तो? तुम्हें क्या है, तुम्हारी माँ ने कहा और तुम उठकर यहाँ आ गए। लेकिन जिस दिन से मैंने तुम्हें बाजार में देखा था ना, तभी से मैं तुम्हारे प्यार के चक्रव्यूह में फंस गई हूँ। मानसी, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ
कि अगर तुम्हारे नाम का जहर भी पी लूं ना तो भी मेरी मौत नहीं आएगी। चलो मानसी, टाइम बहुत हो गया, अब तुम घर जाओ। मैं तुमसे मिलने आई और तुम मुझे जाने के लिए बोल रहे हो, मतलब मेरे तुम्हारे बीच कुछ नहीं है? हाँ सही कह रही हूँ ना? अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए यहाँ आई हूँ, समझे? अगर तुम ऐसे ही गुस्सा करोगी तो हम दोनों साथ में जिंदगी कैसे गुजारेंगे? मैं ऐसा ही हूँ, बोलो अपनाओगी मुझे? हाँ तुम्हें अपनाऊंगी, यकीन हुआ ना? लगता है एक और बछड़ा होने वाला है। सुनो, ये कौन से नंबर का बछड़ा है? दूसरा बछड़ा है। अच्छा, घर में ठंडी चाय है या गर्म चाय? अभी तक बनाई नहीं है। ठंडी चाय पी पी के मन ऊब गया है मेरा, अगर तुम्हारे हाथ की गर्म चाय पी लेता तो मजा आ जाता। दाऊ बोला ना, केतली गर्म है, चाय में मसाला डाल के गर्मा गर्म पी जाओ। गर्म चाय चाहिए, अभी बनाती हूँ। सुनिए जी, क्या हो गया पुष्पा? यहाँ आइए, आपसे मिलने कोई आया है। अभी आता हूँ। तू ऐसे बात करेगा तो मार खिलवाएगा, समझा? हाँ बोलो, क्या चाहिए? गाय। अरे पुष्पा ने दाम बताया तो है तुम्हें। भाई साहब, ये दूसरे नंबर का बछड़ा है, गाय की उम्र हो गई है, तुम ज्यादा पैसा मांग रहे हो। हाँ तो फिर रहने दो, दो महीने बाद बेचूंगा, वैसे भी मुझे कोई जल्दी नहीं है बेचने की। मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए एडवांस में 1500 रुपए दे रहा हूँ। ठीक है, इसे रखो और आते वक्त गाय लेके आना, बाजार में आऊंगा तब बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा हुआ, बार बार मुझे इसकी लगता है बच्चों को झूला झुलवाएगा। क्या पटाखा लग रही है आज, आज तो नशा दोगुना हो जाएगा। और कितने दिन ऐसे छुप छुप कर मिलेंगे हम? थोड़ा रुक जा, हम मानसी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, पहले उसकी शादी हो जाने दे, फिर हम अपनी शादी करेंगे। मेरा भी मन करता है तेरे साथ घर बसाने का। पहले तुम उन 4 लफंगों के साथ घूमना बंद करो, उनका साथ छोड़ोगे तभी तो मेरे गले में मंगलसूत्र डाल पाओगे। और मैं देख रही हूँ पिछले 2 साल से तुम यही बोल रहे हो। एक बात याद रखना, अगर मेरे अलावा तुमने किसी और के बारे में सोचा तो तुम्हारी खैर नहीं, जान से मार दूंगी। अबे देख कर चला वरना ठोक देगा। आई, ये तो बहुत मुस्कुरा रही है। ए, जाओ ना, मेरा कॉलेज आ गया। हाय रे केले के फूल, कभी ना सकूंगा मैं तुझे भूल। अबे इस बार तो पास हो जाएगा ना? क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। तुझे कब कुछ समझ में आया? सब कुछ हो जाएगा। अरे यार गर्मी तो बहुत बढ़ रही है, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर और वेट कर ले। चल हम लोग चलते हैं। रुकना है तो रुक। अरे रुकना यार, कितनी देर वेट करें, तू आ जा उससे मिलकर। बहुत गर्मी लग रही है। अरे सुनो भोला राम, कल बाजार गए थे, कुछ माल बिका? शुभम क्या हुआ? हाँ भाई थोड़ा माल तो बिका है, थोड़ा मुनाफा भी हो गया है। सुना है कल तुम्हारे गांव में किसी की मौत हो गई? सही सुने हो भाई, वो तिवारी जी का लड़का था ना, जिसकी शादी तुम्हारे गांव के किसी लड़की से हुई थी, वही मर गया। अच्छा वो लड़का, अरे उसकी बीवी भी उसको गाली देती थी। बहुत बोल रही हो तुम। जब वो जिंदा था तो उसने कितने लोगों को तकलीफ दी थी, देखा आज वो खुद मिट्टी में मिल गया। चलो बाय। मानसी इस लड़के के साथ क्या कर रही है? अच्छा तो मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। सुनो हाँ? अगर हमारे जीते जी मानसी की शादी हो गई तो हम चैन से मर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो तुम,
गांव के लोग अपनी बेटियों की शादी करवा रहे हैं तो हमारी बेटी जो पढ़ रही है हम भी उसकी शादी करवा दें, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारी अकल पे तो पत्थर पड़ गए। प्रवीण आ रहा है, जाओ इसे उस रिश्ते की बात बताओ। आकर तुम्हारी खबर लेती हूँ, यहीं रहना। बेटा रुक तो, तुझे एक फैसला लेना होगा। पापा रख दो ठीक है पापा। बेटा कब तक ऐसे आवारा गर्दी करता रहेगा? बगल वाले गांव से तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, बुधवार को हम लड़की देखने जा रहे हैं। अभी नहीं माँ, पहले मानसी की शादी हो जाने दे, फिर सोचूंगा। तू मेरे सामने ये बातें मत कर। देख मारी की पढ़ाई हुई हो या ना हुई हो, तुम्हारे साथ हम उसकी भी शादी करवा देंगे, समझ रहे हो? हमने उन्हें कह दिया हमारे है, हमारे जीते जी तुम्हारी शादी होगी तो हमें भी थोड़ा चैन मिल जाएगा। एक घर वाली होगी और दूसरी बाहर वाली, ये सही रहेगा। ठीक है माँ, आपकी मर्जी, बाकी बातें आप कर लो, मैं लड़की देखने के बाद ही फैसला करूंगा। बस लड़की सुंदर होनी चाहिए माँ। तुम्हारे बिना कैसे होगा? जब तुम लड़की पसंद करोगे तभी तो शादी होगी ना बेटा। सुनिए जी, लड़की वालों को संदेशा भिजवा दो, हमारा बेटा शादी के लिए मान गया है। हाँ ठीक है, बोल दूंगा। इसका उस लड़की के साथ कुछ चक्कर है, इसका क्या नतीजा होगा पता नहीं। इससे पहले कि गांव वालों को पता चले, एक अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर देता हूँ। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता निकाल। हे देवा। आओ आओ, आज तक लगा था तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए आते हो, लेकिन आज पता चला तुम सिर्फ अपनी हवस मिटाने आते हो। तेरी ज़बान कैची की तरह चलने लगी है, एक लात दूंगा ना तो मुझे लात मारेगा? अगर लात मारनी है तो सबसे पहले मेरे गले में मंगलसूत्र डाल। क्या हुआ है तुझे, इतनी जल्दी क्या है? घर में तुम्हारी शादी की बात चल रही है तो फिर मेरा क्या होगा? तुम मुझे अपनी रखेल बनाकर रखना चाहते हो? तुम्हारे अलावा आज तक मैंने किसी और से प्यार नहीं किया, किसी के बारे में सोचा तक नहीं। क्या बकवास कर रही है, घर वालों ने शादी की बात की थी, मैंने कहा सोचूंगा। तुमने सिर्फ सोचूंगा नहीं बोला, फैसला करके आयो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा भी मन है मेरी शादी हो, मेरे भी बच्चे हो? चल चल अपना काम कर। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मुझे छोड़कर किसी और से शादी करने का सोचा भी ना तो ऐसा बदनाम करूंगी कि लोग थूकेंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें किसी और से शादी करने नहीं दूंगी, इस बात को अपने भेजे में बिठा ले। ठीक है, ये सब छोड़ अभी, कुछ दिन और जाने दे, मैं घर वालों से बात करता हूँ और कोई फैसला लेता हूँ, तब तक थोड़ा सब्र रख। गुस्सा थूक दे मेरी रानी, अंदर आ जा, थोड़ी मौज मस्ती कर लें। क्या बात है भाई, सबको इतनी अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? भाई आपका मैसेज मिला, बोलो किसको उठाना है, किसका टिकट काटना है। मोहन और रवि कहाँ हैं? वो दोनों तो अड्डे पर हैं, बोलो तो बुला लेता हूँ। आएंगे ना? ठीक है भाई, चल मेरे साथ। भाई अरे आज से पहले मैंने भाई को इतनी बड़ी टेंशन में कभी नहीं देखा है, लगता है लफड़ा है। भाई टेंशन नहीं लेने का, भाई के लिए जान भी हाजिर है, अब कौन भाई के लिए पूरी तरीके से खड़ा है। ये देख रहे भाई आ रहा है, मस्त पैक बना। भैया ये लो पियो। भाई क्या करेंगे? भैया लड़के बोल रहे थे कोई बड़ा मैटर हो गया, क्या मैटर है भैया? सरोजा को खत्म करना है। हा? क्या बात कर रहे हो भाई, दीदी को? दीदी नहीं, बर्बादी है, उसका दिमाग फिर गया है, जवान बहन है घर में, मुझे उसकी शादी करानी, मैंने घर में बात की थी लेकिन वो लोग सरोजा के लिए तैयार नहीं हुए। मेरी शादी होने के बाद ही मेरी बहन की शादी हो सकती है, इसलिए मैं तैयार हो गया। ये सुनकर सरोजा ने मुझे धमकी दी, अगर उसे जिंदा छोड़ दिया तो कल को मेरी इज्जत और मेरे परिवार की इज्जत भी वो गली गली उछाल सकती है। इससे बचने का अब एक ही रास्ता है, उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना। बस इतना सा काम? अरे सुबह होते ही उसको उठा लेंगे, आप टेंशन मत लो। भैया हम चार नहीं 40 के बराबर हैं, याद रखना काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा भैया। हाँ भाई, इसकी खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, समझे? नहीं होगी भैया।
ओ एक हंसी शाम में दिल मेरा खो गया और तुम मिलके ना 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 शुभम क्या हुआ, मुझसे नाराज हो गया? हाँ मैं तुमसे नाराज हूँ। जब तुम मुझे याद करते हो मैं उसी वक्त आ जाती हूँ। मेरा प्यार सच्चा है तो जब जब मैं तुम्हें याद करूँगा तुम्हें आना पड़ेगा। मगर मैं इस तरह नहीं आ सकती। क्यों? तुम जानते हो ना घर में पापा, अम्मा, भैया ये सभी रहते हैं और यहाँ तुमसे मिलने आने में मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ए, मेरी गुलाब की पंखुड़ी क्या बच्चों की तरह रो रही हो, इतनी सी बात पर मुझसे नाराज हो गई? हाथ हटाओ। मैं तुम्हारी फेवरेट चीज लाया हूँ। मेरी फेवरेट चीज क्या? क्या लाया होगा? टेंटेन। अरे वाह, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। ए चीटिंग।
मानसी शुभम मानसी कहाँ हो तुम कहाँ मानसी मानसी आ जाओ मानसी
चलिए चलिए पापा, घर चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।